हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज का ब्लॉग हमारा है बठिंडा में। आज क्योंकि हम बठिंडा हैं, पिछला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, तो गुड मॉर्निंग तो हुई है। अभी टाइम हो रहा है 9 बज के कुछ 25 या 26 मिनट हो रहे हैं। तो आज मैंने बताया था आज हम निकलेंगे अमृतसर, एंड मैं, धीरज, बड़े अम्मी और राखी चारों जाएंगे अपनी गाड़ी से। अभी बठिंडा से यहाँ से करीब करीब 195 किलोमीटर बैठता है अमृतसर, तो शाम तक पहुंच जाएंगे अमृतसर। और फिर रात में दर्शन करके अपन वहाँ स्टे करना, या वहाँ से रात में ड्राइव करके वापस मथुरा जाना, ये चीज़ हम देखेंगे। ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं क्या करना है। एंड और अभी धीरज और बाकी सब लोग नहा रहे हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट करके, मतलब कि यहाँ से करीब करीब 12 या 1 बजे हम निकलते हैं। लंच भी कर लेंगे अगर हो पाया तो, वरना ब्रेकफास्ट करके निकल ही जाएंगे। लंच रास्ते में देख लेंगे, एंड फिर दिखाता हूँ मैं किस तरह से हम दर्शन करते हैं अमृतसर के, और क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ अमृतसर, क्योंकि हम चारों पहली बार जा रहे हैं अमृतसर, आज से पहले नहीं गए कभी। और आप सभी को भी दिखाऊँगा, जिसने नहीं देखा होंगे वो भी पहली बार ही दर्शन करेगा, और जिसने देखा होंगे वो तो करेगा ही करेगा। तो चलो मिलते हैं। मैंने अभी कपड़े क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में यही रिजल्ट भी पता ही आपको, क्योंकि अभी मैं नहा तो गया हूँ, पर मैंने कल वाले कपड़े पहने हैं। मेरे कपड़े ना गाड़ी में हैं, तो शायद मैं गाड़ी पे जाऊँगा ना अभी थोड़ी देर में नीचे ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो मैं अपने टी शर्ट शायद चेंज करूँ, जीन्स भी देख लूँगा, बट इतनी गंदी नहीं है गाड़ी में, क्या ही पता चलता है। तो मैं दिखाता हूँ क्या चेंज करने का मौका मिलता है या नहीं। टी शर्ट तो मैं करूँगा नीचे जाके। चलो मैं नीचे जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे खुलता है, ओके। चाबी से अनलॉक पहले कर देते हैं, क्योंकि फिर बैग डिग्गी नहीं खुलती है ना, गाड़ी तो गंदी हो रही है अपनी, पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। अपने पास अब यहाँ से हम निकलते हैं। अभी ना 1 बज रहा है, अपने को अमृतसर पहुँचते पहुँचते 4 या 4:30 के आसपास हो जाएगा। बाकी और देखता हूँ क्या सामान है क्या नहीं है। हाईवे बिल्कुल सुनसान है, ना आगे कोई है ना पीछे कोई।
पड़ेगी। ऑल्टो वाले बहुत हैं, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम के नीचे नहीं रहेंगे पर आप ये पर्ची के लिए गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया ना, एक सेकंड का। फ्री हो गई सर, जाते टाइम लेवा था यार। फ्री हो गई, यहाँ पे सब चीज फ्री है। चार्ज फॉर कार 30 रुपए पर 12 घंटा। हाँ तो हम तो पैसा थोड़ी लेगा। कितनी बड़ी पार्किंग है और ऊपर भी है ना, मल्टीनेशनल है, मल्टी लेवल। तो पार्किंग अभी 800 मीटर दूर है मंदिर से, और पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली थी, और जगह हम सेकंड फ्लोर पर हैं। यहाँ से बस निकल के ना मंदिर के दर्शन करते हैं, देखते हैं कैसे मतलब मंदिर तक पहुँचा जाएगा। लाइट खोल देता हूँ, देखना हो नहीं देखना हो पता नहीं। तो यहाँ से निकल के मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर में जाकर क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो मैं निकलता हूँ पहले इसमें से। सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर जाना है। बट कल रात को सपने में याद है, वीडियो बनाता रहा हूँ मैं ब्लॉग में, पिछली बार मैं भूल गया हूँ पार्किंग लगा के। चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से, है ना। तो अभी हमने पग लिया है यहाँ पे बांधने के लिए, और ये यहाँ पे बीच में है, पता नहीं क्या है पर अच्छा है जो भी है। तो कैसा लग रहा हूँ गाइस, ये कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। यहाँ से है रास्ता, यहाँ से पीछे से है रास्ता। ये सामने गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल, धीरज आगे आगे बढ़ रहा है। ये लड़ रही है यहाँ पे, क्यों लड़ रही है भाई? बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी दोपहर में, 5 बजने वाले हैं, शाम ही हो गई दोपहर कहाँ, फिर भी देख धूप कितनी तेज है। दिया जा आगे ऐसे जा रहा है, कितनी बार आ चुका है। तो फाइनली गाइस हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ से एंट्री कहाँ से लेनी है ये देखना है, शायद दूर है अभी भी। एंट्री कहाँ से लेनी थी आज? चप्पल घर में देखेंगे ना, गर्मी बहुत तेज है इसलिए मैंने ये उतार दिया, अभी अंदर जाके पहन लेंगे जब अंदर मंदिर में जाएंगे। ये देखो सालू और बड़े अम्मी की शॉपिंग चालू। सालू क्या शॉपिंग है, चुन्नी? भाई भाई कहीं भी शुरू हो जाती है इनकी। तो थोड़ी चाय में आ चुके हैं अभी हम, एंड से देखनी पड़ेगी कहाँ से होगी।
पहले ना जूते उतारने हैं हमको। भीड़ तो काफी है। हो गई शॉपिंग तुम्हारी? चले जूता रख दे। कहाँ पे जूता का? हो रहा सामने। चलो आए जूता का निशुल्क। अंदर ना पैर जलने वाले हैं जूते उतारने के लिए क्योंकि पर्स बहुत ज्यादा गर्म। तो कुछ इस तरह से टोकन सा मिला है, पंजाबी में लिखा हुआ है। जूता घर से मिला ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है उसमें, पंजाबी नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा। बांधना है अभी? अंदर मंदिर में अभी बांधना है वो। चलो चलो मैं बांध लेता हूँ। यहाँ से अपने मतलब पैर अंदर डाल के अंदर जाना है, एंट्री गेट है शायद। चलें चालू आ। पहली नज़र में इतना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है गोल्डन टेम्पल कि बस क्या ही बताऊँ। मतलब अभी इतना मैं एंट्री कर रहा हूँ से और अभी यहाँ पे बहुत सही लग रहा है मेरे को। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अभी दर्शन हमने कर लिए। यहाँ पे अंदर ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसलिए अंदर वीडियो नहीं बना पाई है, बट कुछ कुछ क्लिप्स हैं वो दिखाऊंगा मैं ब्लॉग में, दिखा चुका हूँ आप तक तो सही बात है। चलो मैं अभी जूते पहन लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। जा रहे हैं जलिया वाला वहाँ, ठीक ले अंदर जाएंगे। अभी हम जलियाबाग के बाग में अंदर जा रहे हैं। आया पिक्चर में तो वो खाली खाली ग्राउंड सा वो अजय देवगन की है और क्या। वो कर दिया बना दिया है ये बिल्डिंग साइड साइड से तो पुरानी है। हाँ ये ना वो जो दीवार है तो मूवी यहीं तो बनी, मूवी जो है यहीं बनी थी समझ रहा है। गोली कहाँ पड़ी? गोली कहाँ पड़ी? और गोली का तोप भी चलेंगी। अच्छा कौन सी हरकत थी? जेब में आदमी रख सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते। अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, वो तो हमने बेशरमाई से वीडियो बना ली थोड़ी बहुत पर अंदर नहीं डाला। तो जो क्या था वो कुंड से के पास भी अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, डिलीट करवा दी। रिसेंट में से भी डिलीट करवा दी हमारी वीडियो। ये गोलियों के निशान है जब उस टाइम चली थी। क्यों सालू ये जो बाइट बाइट जो हाईलाइट करे हुए हैं ये गोलियों के निशान हैं। सालू भी होती उस टाइम तो सालू में पड़ जाती। यहीं खड़े हो गए तो सामने यहीं खड़े हो गए मारी गोली तड़ा तड़ा तड़ा। तो भाई यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, बस वन टाइम बहुत है। अभी तो गर्मी काफ़ी लग रही है और यहाँ से हम निकल रहे हैं, सीधा गाड़ी में बैठेंगे। हाँ,
यहाँ से मतलब अपनी गाड़ी की पार्किंग ये है और पार्किंग के मतलब ऊपर के ऊपर से फ्लाई ओवर बनाया हुआ है, तो ऊपर से निकल जाएंगे सीधा मार्केट में से, होकर नहीं जाना पड़ेगा नीचे से। अच्छा है, चलो और अंदर जाके देखता हूँ कि ये मतलब आने ही आने का या जाने का भी है। गाइस हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं अपनी गाड़ी के सामने, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते पसीना आ गए, थक गए, और हमने इसमें टाइम भी बहुत लंबी थी। गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं, पहले अनलॉक हो चुकी है, अब बैठते हैं सीधा। डिग्गी खुली है, डिग्गी खुली हुई है। ऊपर के लिए रास्ता कौन सा है, फ्लाई ओवर वाला? ऊपर और जाना पड़ेगा सर। चलो ऊपर जाते हैं, दिखाता हूँ ऊपर से रास्ता है या नहीं है, पहले मैं खुद देख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फ्लाई ओवर तो मिल चुका है जो पार्किंग में से ही अटैच है बाहर के लिए, पहले शायद लाइन लग रही है, पर्ची चेक करेंगे है ना। हाँ देखो पैसे हैं या नहीं है, निःशुल्क है पता चलेगा, वैसे पैसे होंगे। यहाँ से सीधे अपने हाईवे पे निकल जाएंगे, वरना नीचे से मार्केट में होकर जाना पड़ता पूरा। कितने के लिए? बाइट ही, बाइट बाइट ही हो तेरे ने नाली सरोने के लिए दो। बाइट के वजह से नाली है? हाँ चुन्नी बस, चुन्नी पे चुन्नी भी लिया, जूती भी लिया, जूती भी लिया। फिर 30 रुपए की पार्किंग है, और यहाँ से सीधा फ्लाई ओवर पकड़ के अपने हाईवे पे आ जाएंगे। ये ठीक है, फिर भी नीचे मार्केट है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा ना। मैं हाईवे पे रुका हुआ था, कोको कोला लिया है और खाना भी खाया, डिनर भी हो गया। अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं पूरे, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। रेस्ट लिया था हमने क्योंकि 7 बजे चले थे हम अमृतसर से, तो 7 बजे चले थे अमृतसर से, थक भी गए थे, अब सुबह तक पहुँचेंगे मथुरा। अभी हमें सुखदेव पे भी रुकना है, पराठे खाने हैं वहाँ के भी। यहाँ तो हमने डिनर किया था पर मैं भूख ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने डिनर कर लिया, ब्लॉग नहीं बनाया। सही है, तो हमारी जर्नी तो अच्छी रही काफ़ी, पर मैं अब थक भी चुका हूँ, ब्लॉग तो अब आगे नहीं बनाऊँगा क्योंकि चेहरे पे थकावट तो है ही मेरे पे। 2 दिन हो चुके हैं, पिछला ब्लॉग भी देखा होगा आपने, बठिंडा गया था उसमें। इस ब्लॉग को ना मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, आशा है कि आपको सभी को ये अच्छा लगा हो ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।